एक तो जो छोटा वाला है वो मैं हूँ, और जो बड़ा वाला है वो सलमान भाई है। ये सलमान भाई है? हाँ, ये सलमान भाई है। ये बड़े हो गए दबंग बने। एटीट्यूड बचपन से है सलमान भाई में, है ना? भाई कोई याद है आपको इन फोटो को देख के दिमाग में कोई याद आती है, कोई किस्सा आता है? हाँ, उस वक्त मैं बिस्तर पे सुसु करता था। हाँ, मुझे ये याद है। एक बचपन की और फोटो है हमारे पास। ये तो इसमें टॉपलेस घूम रहे हैं। कौन सी फिल्म थी ये सोहेल? हीरोज। एक फोटो और है हमारे पास, मल्लिका जी की एक फोटो, इनको भी लेके जाते हैं पुराने दिनों में। बताइए कौन है ये? ये मेरी मदर हैं, और हम नैनीताल गए थे छुट्टियों के लिए, और मेरा छोटा भाई विक्रम और मैं। गर्मियों की छुट्टियों में। या शी लुक्स लाइक योर सिस्टर। ये कितने सालों पहले की बात है? काफी, जब स्कूल में पढ़ते थे हम। एक और फोटो है। आपने हॉलीवुड और हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखा है? आप तो दोनों देख के आई हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बजट्स का फर्क है। यहाँ भी हम उतने ही हार्ड वर्किंग है, पर हमारे देश में जो अपनापन है वो नहीं है। लेकिन हमारे का एक चैलेंज है, चल वहाँ का सबसे टॉप एक्टर ले ले और हमारा अक्षय कुमार ले ले, और उसको बोल जो अक्षय करता है वो करने के लिए। आहा, क्या बात है। जो हमारे हिंदुस्तान, इंक्लूडिंग यू, जो हमारे हिंदुस्तान के एक्टर्स कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, सुपर। बिकॉज़ हिंदुस्तानी एक्टर्स, देयर आर सो मेनी इमोशंस वी हैव टू डू, यू हैव टू सिंग, यू हैव टू डांस, एवरीथिंग। ये जैकी चैन को बोलो डांस कर, ये ऐसे कांप जाता है, स्टेज फ्राइट हो जाती है, इसको आता ही नहीं डांस करना। बिल भाई, जो आदमी वर्कआउट करता है वो भी बोर हो जाता है ना भाई, बैठे बैठे। तो थोड़ा मुझे लगता है कि खड़े होना चाहिए। एक छोटा सा टास्क करेंगे आप लोग के साथ, आप लोग तैयार हैं? चलो चलो बात करते हैं। हेलो ब्रदर। बहुत कॉमेडी शो में रोल आएगा तू मेरे को? मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिल्म का एक किस्सा है। जब आपने वो फिल्म घर पे दिखाई थी सलीम सर को, तो वो सिर्फ घर पे ही देखी हम लोग ने, किसी और ने देखी भी नहीं। डैडी का सिर्फ एक ही कमेंट था, क्या ये दुनिया की सबसे महंगी होम वीडियो है। हीरोइन कौन थी उसमें? रानी मुखर्जी थी उसमें। रानी थी नहीं, आपकी डेब्यू फिल्म की बात कर रही हूँ, समीरा। हाँ, तो उसकी कहानी बताओ। याद मत दिला। मुझे याद है उसकी कहानी, मल्लिका को याद है। हाँ, मुझे याद है आपकी डेब्यू फिल्म की कहानी। मैं उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी बॉम्बे में, और मुझे पता चला उस वक्त कि आपकी लॉन्च होने वाली है, और उस वक्त मुझे आप बहुत हैंडसम भी लगते थे। उस वक्त का मतलब क्या है? पहले मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ अभी, इसलिए कैसे पढ़ते हैं अभी भी लग रहे हैं आपको हैंडसम। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे को एक ऑडिशन तो मिल जाए, मेरी एक मीटिंग तो करा दो। इतने जालिम लोग हैं, किसी ने मीटिंग भी नहीं कराई। अच्छा हुआ ना। अच्छा हुआ ना। नहीं हुआ अच्छा। देखो मर्डर मिल गई, तू एलए पहुंच गई, पेरिस पहुंच गई, अच्छा हुआ ना। पर सोहेल खान की हीरोइन होती वो भी अच्छा होता। बट भाई आपने काम उसमें कमाल किया था, मैं जेन्युइनली बहुत कमाल काम किया था। खतरनाक रोल था आपका, पता है? मतलब खतरनाक फिल्म थी। मुझे तो हीरोइन लिया नहीं, क्या खतरनाक खतरनाक बैठा बोल रहा उधर। खतरनाक थी। इसमें मुंह उठा के आने वाले लोगों। भाई चाल को क्या हो गया? सलमान भाई तो ऐसे नहीं चलते हैं। अरे अब ऐसे बच्चे को सलमान बनाओ, द ग्रेट खली बनाओ, लेकिन अगर डाइपर चुपता है ना तो चाल बदल ही जाती है। सही बात बोली आपने। हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, स्वागत है आपका बिग बॉस वीकेंड का वार में। भाई तो मरी जा रहे। भाई भाई भाई, ये एंटरटेनमेंट की रात है भाई, तो बोलो एंटरटेनमेंट की रात में स्वागत है। तुम 300 करोड़ दोगे क्या? आपको लग रहा है हमारे पास इतने पैसे हैं जैसे लोग इकट्ठे किए, हमने कहां से देंगे भाई? हाँ, तो मैं वेलकम टू बिग बॉस ही बोलूंगा। बट भाई ये हमारा शो है, ये लाइन यहाँ नहीं चलेगी भाई। अच्छा, तो ये लाइन काट के बिग बॉस में डाल देना।